करीब साल भर बाद एक बार फिर से चीन में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना फिर से आ गया है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहां महामारी फैलने से रोकने में भी सरकार शायद नाकाम हो रही है। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, इसका नतीजा ये रहा कि लोगों को खाने पीने की चीजों की किल्लतें हो रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें लोग खाने पीने यहाँ तक कि पानी के लिए एक दूसरे से लड़ते दिख रहे हैं। कई जगह लोग अपने घरों की बालकनी से चीख चिल्लाकर नारे लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सबसे बुरी हालात करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर की हो रखी है। यहाँ खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की भी कमी देखी जा रही है। वहीं चीन सरकार ने लोगों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया है। इससे शंघाई में रहने वाले लोगों में डर और गुस्सा है। रात के समय लोग घरों की बालकनी में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का इस विरोध पर चीन की सरकार का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। चीन की सरकार का कहना है कि करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाले चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले 22 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर यहाँ कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस वजह से यहाँ खाने और दवाओं की कमी है। आज़ादी के लिए ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वहाँ के सरकार का कहना है कि आप छटपटाइए नहीं। ये आज़ादी की चाह पर काबू रखने वाली जो बात है वो 2020 में एक चीनी सांसद ने बोला था जब सरकार ने वुहान में लॉकडाउन लगा दिया था, और ये बात फिर से दोहराई जा रही है। 8 अप्रैल देर रात को बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के आदेशों को तोड़कर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सप्लाई पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए फूड बॉक्स लूट लिए। लॉकडाउन की वजह से लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही है। सख्ती की वजह से लोग अपने घरों से बाहर कदम भी नहीं रख पा रहे हैं और नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें सख्त आदेश दे चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन में कड़े कोरोना प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है कि वहाँ एक भी कोरोना के मरीज नहीं बचने चाहिए। यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। चीन में होम आइसोलेशन या क्वारंटीन के मनाही है। छोटे बच्चों को भी कोरोना होने पर उनके पेरेंट्स से अलग कर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इसे लेकर पेरेंट्स में गुस्सा है और वो सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कर्मचारियों को उनके दफ्तरों में ही रखा जा रहा है, उन्हें घर जाने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। यहाँ तैयारी की गई है कि साइनोवैक वैक्सीन भी कोरोना के मुकाबले में फिसड्डी साबित हुई है। साइनोवैक चाइना की वैक्सीन है जो कोरोना पे कारगर नहीं हुई। 2.6 करोड़ की आबादी वाले चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग परेशान हैं। शंघाई में एक अपार्टमेंट में 2 लोगों को ही खाना लिए जाने की अनुमति है। वे 2 लोग से ज़्यादा खाना लेने नहीं जा सकते। वे ही अपार्टमेंट के सभी लोगों के लिए खाना सप्लाई लाते हैं। शंघाई में 8 अप्रैल को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23,600 नए केस सामने आए। लॉकडाउन के 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मामले में कमी नहीं आई। चीन सरकार कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों को उनके घरों की खिड़कियां बंद करके रहने के लिए कह रही है ताकि कोरोना और फैले नहीं। चीनी सरकार अपने इस मैसेज में कहना चाहती है कि आज़ादी की राह पर काबू रखें और गाने गाने के लिए अपनी खिड़कियां मत खोलो। इस तरह के व्यवहार से महामारी और भी फैल सकता है। यानी चीनी सरकार का कहना है कि वो खिड़कियां ना खोलें। खिड़कियां खोलने से कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे कोरोना और भी फैल सकता है। हवा में कोरोना निकलेगा और ज़्यादा संक्रमण फैलेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र शंघाई में 1 अप्रैल से ही पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन की सरकार को दूसरी जगहों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को शंघाई भेजना पड़ रहा है, लेकिन जनता के हिसाब से इतने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी काफ़ी नहीं है। डॉक्टरों पर ओवरलोड हो रहा है। ऐसा एक वीडियो भी वायरल है जिसमें डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गया, जिसे मरीज ही उठाकर आइसोलेशन सेंटर में ले जाते दिख रहे हैं। यानी डॉक्टर को मरीज उठाकर आइसोलेशन सेंटर ले गए। 9 अप्रैल को शंघाई में कोविड-19 के 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। बढ़ते इन्फेक्शन को रोकने के लिए चीनी सरकार ने डायनामिक जीरो कोविड पॉलिसी की नीति अपनाई है। इस नीति के तहत शंघाई में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया भर में रोजाना 15 लाख से भी अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में एक नई लहर फैल सकती है। एशिया भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन चीन के जो हालात हैं उससे ये एक बार फिर से डर पैदा हो गया है कि कहीं फिर से चीन में जो कोरोना बढ़ रहा है उसके लिए भारत भी कहीं चपेट में ना आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही हुआ। 2019 में भी सबसे पहले कोरोना चीन में ही हुई थी, उसके बाद भारत में भी हालात बेकाबू हो गए थे। भारत में जून में चौथी लहर आने की आशंका है। इस बीच आपको भी सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।